अच्छा गेट बाहर से बंद कर दिया, गेट बाहर बंद कर दिया था। फिर खुला कैसे किया? फिर पुलिस आई तो खुली, पुलिस आई तो पुलिस के सामने, पुलिस से अपने साथ ले गई? हाँ पुलिस साथ ले गई उसको। अकेले जावेद नहीं था? नहीं जावेद था अकेले उसमें, उस समय जावेद था। मतलब घर के अंदर साजिद जावेद दोनों? साजिद का पता नहीं मुझे, आए दोनों होंगे लेकिन उस समय साजिद था। भैया कहते थे साजिद? कहते थे हाँ हाँ, उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, मन गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी, उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। यूपी के बदायूं में हुई दो बच्चों की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इसी बीच इलाके के लोग इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझा कर मामले को शांत किया। यूपी तक के संवाददाता संतोष कुमार ने जब बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों और पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ये घर है जिस घर के दो बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर में कोहराम मचा हुआ है, मातम मचा हुआ है। लोग घर में उनकी दादी है, माँ है, बेसुध पड़े हैं। पड़ोसी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग बता रहे हैं दादी हैं, ये मासूम दादी हैं, ये दादी हैं। आपके आपने उनको देखा था दादी? किसको? उसको साजिद। कितने बजे आया था, क्या करने आया था? जी तो उन्हें पता है बहुरानी, हमें पता नहीं है कुछ। हम तो अंदर बैठे थे, इतना पता था बच्चे हमारे छोटा वाला अम्मा। कितनी उम्र होगी, क्या नाम? बड़े वाले आयुष प्रताप का है, 12 दिसंबर को हुआ है, 26 अक्टूबर को, 12 साल का, 13वीं पढ़ा आयुष। और छोटा वाला 12 जनवरी का आहन, छोटा वाला आहन प्रताप जो 6 साल का हुआ है, 12 जनवरी को। अच्छा। क्या हुआ है, कितने बजे आया? 6 से 6-7 बजे का टाइम था। उनसे बोला बहू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान है, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें। तो उन्हें कि हाँ सही है, परेशान है, दे दो, दे देगा कल उनमें। वो पैसे निकाल के दिए और वही, अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं। तुम चाय बनी रखी अभी? तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा, ऊपर चले जाए, नहीं चले जाओ टाइम पास कर लो, जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है जे। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था जे नाई भैया, भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो। दोनों बच्चे भैया कहते थे? साजिद कहते थे हाँ हाँ, उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, मन गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी, उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। अब पता नहीं, छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया, वो 6 साल वाले से, अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं, बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ, जो बहू गई भाग के, इन्हें बुलाया ऐसे करके, उसकी इतनी बुद्धि खराब। जे लौट आई ऊपर से, अब जब इन्हें देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी, जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। हाँ जब हम बाहर निकल गए, हमने कहा जल्दी गेट बंद करो, जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों, मैंने बुलाए सब पड़ोसी बुलाए, पुलिस बुलाई, तो पुलिस ही यहाँ से उतार के तब ले गए उसे। ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों? दोनों दोनों भाई आए थे। अच्छा। हाँ दोनों, उनसे बहुत से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ पैसे नहीं दिए थे? दिए थे। उसके बाद भी? उस पहले 5,000 रुपए पहले दिए थे ना, 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे दैया मैं कैसे चैन पड़ू मेरे बच्चे की, मेरे कोई ना रहेगा मेरे, वो तो सभी को मार देता, मैं छोटा वाला उसके अंगूठा में चोट लगी है, मेरे छोटा वाला रहे उसके भी अंगूठा में लगी है चोट पीछे वाले के। अरे भैया तीनों को मार देता वो तो, और हमें भी मार। क्यों ऐसा किया पता नहीं भैया, ऊपर वाले के कभी कोई और दुश्मनी? कभी नहीं, किसी से ही, कोई किसी से पूछ लो, पड़ोसी से मेरी कोई गलती, मेरे बेटा की कोई गलती, किसी से पूछ लो कैसे है। अपनी तारीफ हम ना हमारी कोई दुश्मनी ना थी, परिवार की कभी कोई दुश्मनी नहीं। आप पड़ोसी हैं?
मेरी सीमेंट की दुकान है, बड़ा ही सज्जन परिवार है, किसी से कोई विवाद नहीं। कल जब ये भागा तो आप लोग मैं यहाँ पर आपने देखा? हाँ हमने देखा था, हमने गेट पर अंदर ही देखा था इसको, जब ये छुरी उसके हाथ में थी और मैंने जब गेट पर अंदर बाहर से बंद था तो मैंने देखा इसको, यहाँ छुरी लिए खड़ा था वो। तो उसको भागते अकेले साजिद को देखा था कि जावेद? भागा नहीं है ये, ऐसा अंदर बाहर से गेट बंद कर दिया था, वो यहाँ खड़ा था छुरी लिए हुए, यहाँ खड़ा था। अच्छा, गेट बाहर से बंद कर, गेट बाहर बंद कर दिया था। खुला कैसे? फिर पुलिस आई तो खुल गया, पुलिस आई तो पुलिस के सामने, पुलिस ही अपने साथ ले गई? हाँ पुलिस साथ ले गई उसको। अच्छा, अकेले जावेद नहीं था? नहीं जावेद था अकेले उसमें, उस समय जावेद था, मतलब घर के अंदर साजिद जावेद दोनों आए? साजिद पता नहीं मुझे, आए दोनों होंगे लेकिन उस समय साजिद था। अच्छा, ये पड़ोसी हैं, ये दादी हैं उन दोनों बच्चों की जिनके सामने वो बच्चों का कत्ल कर दिया गया, और जो बेटा एक बचा था इनका जो एक पोता वो किसी तरीके से जान बचा करके भागा। ये माँ है उनकी, बेसुध पड़ी है, ये माँ है उनकी। आपसे पैसे मांग रहा था, क्या हुआ था कल? पैसे मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने को 5,000 रुपए की मदद दे दो। मैंने हस्बैंड से बात की, बोले कोई बात नहीं दे दो, वो दे देगा, सुबह दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चों को। पैसे दिए थे आप? दिए, 5,000 रुपए भी दिए थे। क्या हुआ ये, मतलब आप चाय बनाने चली गई तब? चाय बनाने चले गए तो उससे कहा मुझे पार्लर दिखा दो, भाभी का पार्लर नहीं देगा। ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर पार्लर चलता? हाँ। अच्छा। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा वो घबरा गया, तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। सबसे बड़े और सबसे छोटे की हत्या कर दिया। अगला वाला सबसे छोटे करे टुकड़ा को मार दिया। ये माँ है जिसके दोनों बेटों की कत्ल कर दिया, और उस शख्स ने कत्ल कर दिया जो मदद मांगने के लिए इस परिवार के पास आया था, 5,000 रुपए मांगने आया था। इस माँ ने उसको मदद भी की, 5,000 रुपए भी दिए, और जब घर के अंदर जब वो पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर वो फरार हो जाता है। घर वाले जो मोहल्ले के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, परिवार में कोहराम है। ये अलग बात है कि पुलिस ने इस वारदात के कुछ ही वक्त के अंदर ही मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये मामला बदायूं के सिविल लाइन्स थाना इलाके की बाबा कॉलोनी का है, जहां साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर आया था। इस दौरान उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5,000 रुपए मांगे थे। जब रुपए ले लिए तो उसने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो वो छत पर चला गया जहां उसने दोनों बच्चों आयुष और आहान पर हमला कर दिया, और उस हमले में दोनों की मौत हो गई। बदायूं से यूपी तक के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।